नुकसान होया, जम्मू च नहीं कश्मीर च भी, पूरे जम्मू कश्मीर च नुकसान होया। पहले कोरोना की मार रही जिम्मेदारी लोगों की, किसान भ्राएं की, तो हूँ उन्होंने ओलावृष्टि, इस बार फसल बड़ी चंगी ही, तो लेकिन ओलावृष्टि ने जरा एन पई बेमौसमी एन जी पई आखिर उसी बड़ा खराब करी। और खाद की कमी तो सुने पूरे हिंदुस्तान से खपे दी है, डी ए पी खाद की बड़ी कमी है, जी नवी फसल आनी पिछली तो नुकसान हुई हुई, जी नवी फसल आनी वो डी ए पी खाद की बिल्कुल कमी है। और फिर असं अप्रोच किया दिल्ली, लेकिन मोदी जी की सारे जम्मू कश्मीर के किसानों की बड़ी चिंता ही उन्हें, उस साढ़े जोड़े फर्टिलाइजर मंत्री मांडविया जी वो गुजरात से है, जो अस दिल्ली गए तो उन्हें भी उतों का फिर कॉल किया गया कि जितेंद्र हुंदे थ्रू असें उन्हें इनफॉर्म किया, लेकिन फटाफट दिल्ली आई है। और उनकी बदौलत और जोड़े साढ़े नवीन जी कमिश्नर साढ़े इतने एग्रीकल्चर के उनके सारे की बदौलत, खासकर मोदी जी जम्मू कश्मीर के किसानों की बड़ी चिंता है। एक क्रैक अज बुझा हुआ इतने, मैं तुंदे माध्यम कन्ने अपने सारे किसान भ्राएं की, जम्मू कश्मीर के किसान भ्राएं की आखना कि चिंता नहीं करनी, वो वाली चिंता नहीं, एक रैक ते अज पुजा दा चंबल खाद का, दूआ रैक जिहड़ा कल लोड हो जाना है वो आई पी एल का इंडियन पोटाश लिमिटेड, अज रैक पुजा ना शामी इतने चंबल खाद का, कल एक लोड हो जाना है आई पी एल का इंडियन पोटाश लिमिटेड का, जो कल लोड हो जाना है परसों से चौथ भी इतना पुज जाना है, और उससे बाद भी कोला पहले पहले त्रीआ रैक जो इफको खाद, इफको कंपनी का जो मल्टीनेशनल कंपनी इफको उनका खाद जो डी ए पी वो भी इतना पुजी जाना है। तो इस करिए तुंदे माध्यम कन्नै सारे किसान भ्राएं गी आखना कि चिंता तुसें घबराना नहीं, घबराना नहीं, ये फसल जी तुंदे टाइम की लगभग सिर्फ अज जो क्रैक पुजी जाता है, दो चार दिन का बाद दूआ पुजा दा, दो चार दिन बाद त्रीआ भी इतने पुजा दा। और कन्नै कन्नै गै अज एक मैं और तुसें गी तुंदे माध्यम के थ्रू अपने किसान भ्राएं गी सनाना कि फस्ट जी जो खराबा हुन होया धान का, और फस्ट जी तुसें अज वो जी जिंदे लोकें दी लिस्टां उत्ते पुजी दे, जल्दी कोला जल्दी सारे रेवेन्यू लिस्टां बना दे, अज वो भी एक जी पहली किश्त है अजो किसान भ्राए के खाते जी पी जानी, क्या जम्मू के किसान ने, क्या सांबे के किसान, क्या कठुए, ये भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट मेरी गल हुई है, बाकी बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी सारे का जी पहली किस्त है अजो सारे किसान भ्राएं के खाते की पी जानी है। यही मेरा तुम्हें माध्यम थ्रू किसान भ्राएं आखना हाँ कि तुसें घबराना नहीं, मोदी जी की साड़ी जम्मू कश्मीर की पूरी चिंता है और पूरे किसान भ्राएं की पूरी मदद करा दे, और तुंदे माध्यम थ्रू उनका खाद पूरा टाइम टू टाइम उनका पुजी आता है, और कन्नै जो खराबा होया उसकी किस्त जी पहले किस्त हो जानी है, और जी बाकी जो खराब के बाकी किस्त वो भी टाइम का पिछले आई जाने। ये वाकई तुंदा बड़ा बड़ा धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। सर लगभग कितने किसानों की फसल बर्बाद हुई है, कितनी फसल तो कई जगह तो 100% खराब हुई है, कई जगह 80% भी हुई है। सर मुआवजा जो दिया जा रहा है 675 रुपए पर कनाल दिया जा रहा है, बिल्कुल दिया जा रहा है 675 रुपए पर कनाल, नहीं मैं खुद किसान हूँ भाई, मैं खुद किसान हूँ 675 रुपये जो मुआवजा दिया जा रहा है, ये भी आपने पहली दफ़ा सुना होगा, 15 में जो पीछे आया था, पीछे जो खराब हुआ था, जब से मैं अपने होश संभाली जब से मैं खेती कर रहा हूँ, पहली बार देखा है मैंने बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर जो पिछले खराबा हुआ था धान का उसके भी खराबा मिला मेरे एरिया में, तो 7 करोड़ तक मेरे एरिया जम्मू तहसील के अंदर, मढ़ तहसील के अंदर 7 करोड़ की जो कंपनसेशन दी गई थी, और 2 तहसीलें अलग से थी, जैसे मडाल तहसील, जैसे बेस्ट तहसील के अंदर मेरा कुछ एरिया आता है। तो इस दफा यानी 10 न भी नहीं हुए खराबे को, और पहली किस्त आज ही लोगों के खाते में जा रही है, यह सबसे बड़ी बात। लेकिन सर मुआवजा जो 675 रुपए दिया जा रहा है, किसानों का कहना है कि उनका खाद का जो अमाउंट है वो भी इस अमाउंट से पूरा नहीं ऐसा नहीं है भैया, मैं खुद किसान हूँ, मुझे आपने तो शायद हल नहीं चलाई, मैंने तो हल भी चलाई है, लेकिन चलो बैल वाली हल नहीं चलाई, लेकिन ट्रैक्टर जरूर चलाया और आज भी चलाता हूँ, लेकिन भगवान ना करे कभी हमारा दोबारा से खराब आओ, लेकिन हम ये ऐसी याद मत डालें कि हम लोगों के भरोसे पर रहें, हम अपना काम करेंगे और अपनी खेती खुद पैदा करके मेरे किसान भाई खुद अपना अपना पालन पोषण करेंगे। सर आप कह रहे हो मोदी जी को किसानों की बहुत चिंता है, पिछले 10 महीने से जो आंदोलन चल रहा है किसानों के लिए, उस पर मोदी जी की कितनी चिंता जो व्यक्त हो रही है, 600 से ज्यादा लोग अभी भैया मेरी बात मुझे पता है अगर किसानों को चिंता नहीं होती तो यहाँ पे जहाँ भी तो किसान है ना, जम्मू कश्मीर के अंदर भी, जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों ऐसा हल्ला गुला नहीं हुआ। और बाकी मैं आपके माध्यम से मोदी से भी एक अपील करना चाहता हूँ कि MSP को अब उनको रहम करके किसानों के ऊपर MSP को कानून बना देना चाहिए। ये सुनकर थोड़ा आपके मन से सर अच्छा लग रहा है।